विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहबगंज बिंद टोली के समीप दो भैंसे की आपसी लड़ाई के दौरान एक भैंसे के सिंग मुंह में लग जाने से चंपा नगर बंगाली टोला निवासी दवा व्यवसायी शंकर चंद आचार्य की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिंद टोली में शाम को दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान शंकर स्कूटी से घर जा रहा था और भैंसे को लड़ता देख बगल से निकलने लगा। इसी बीच एक भैंसा स्कूटी से टकरा गया और उसकी सिंग शंकर के मुंह में फंस गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। सन्मार्ग के लिए भागलपुर के नाथनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। साहेबगंज में बिंद टोली चौक पर दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे, लाइन बिजली कटी और अचानक वहाँ एक मोटरसाइकिल से शंकर चंद्र आचार्य नाम के व्यक्ति जो बंगाली टोला नाथनगर के हैं वो पहुँचे और उसमें से एक भैंसा तेज़ी से मुड़ के भागा जो कमज़ोर पड़ रहा था। मुड़ने के समय अचानक दुर्भाग्य था कि वो उनके चेहरे पे वो सींग लग गया और काफ़ी बुरी तरह पे जख्मी हो गए। तुरंत परिजन भी वहाँ पहुँच गए, पुलिस पहुँच गए। इस तरह घटनाएँ दुर्भाग्यपूर्ण हैं, ये नहीं होनी चाहिए, तो जो नगर निगम को लिखेंगे इसमें अपेक्षित कार्रवाई की। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।